हेलो यूट्यूब, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है आप लोगों का एक नए सफ़र में। क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने घर, तो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बना लिया जाए। अभी मैं निकल चुकी हूँ सेक्टर 28 मेट्रो स्टेशन की तरफ, जो कि है फरीदाबाद में। अपने पैर पीली रेखा के अंदर रखें। चलिए जी, अभी इतने प्यार से मैडम बोल ही रही हैं तो अब इनकी बात तो माननी पड़ेगी। अभी मैं आ चुकी हूँ मेट्रो का, वेट कर रही हूँ भाई बहुत देर से। किस्मत ख़राब होने की वजह से हमेशा की तरह सीट आज मुझे फिर भी नहीं मिली, तो बस खड़े हैं लप्पू सा मुँह लेके। अभी वेट कर रहे हैं हम कि भाई स्टेशन कब आए। और भाई भर भर के भाई मेट्रो में देख रहे हो भीड़ भयंकर वाली। लेकिन आपको मैं बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ जो कि अमेजिंग सा व्यू दे रहा है। यार एक बात समझ में नहीं आती, मैं जैसे ही कैमरा निकालती हूँ ना अपना कि भाई वीडियो बना लूँगी या कुछ, लोग मुझे ऐसे देखने लग जाते हैं। पीछे वाली आंटी को ही देख लो। अब मेट्रो का सफ़र समाप्त होता है हमारा यहीं पर, मेट्रो हमें छोड़ कर जा चुकी है। एक नई मूवी आ रही है, इसका पोस्टर सामने देख लो भाई। फाइनली अब मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर। सामने है मेरे पिताश्री भाई, स्वागत करने के लिए आ गए हमारे घर के महाराज, जो कि हमारे कुल्लू महाराज। देख लो ज़रा इनकी हरकतें, देख लो। मैंने बैग उतार भी नहीं पाया तब तक, जो है देखो ज़रा इसको मन है कि मेरे को गोदी ले ले। लो भाई, तो मैं लाड कर लें ज़रा, पहले हम आ जाओ। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ अपने घर का मंदिर, जहाँ पे पापा ने नवरात्रों में माता रानी को बिठाया हुआ है। माता रानी का कलश रखा हुआ, माता रानी है, हवन पूजन डेली का जो चलता है। आज अष्टमी है तो कल नवमी है, जो कि कन्या पूजन होगा। ये हूँ मैं, और अभी मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मेरी शक्ल जो कि सड़ियल सी आपको दिख रही होगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अभी मैंने पहन ली अपने भाई की टी शर्ट और अपना लोअर, लेकिन कुल्लू की हरकतें आप देख लो पीछे। ये नहीं सुधर सकता भाई, कदे नहीं सुधर सकता। लेकिन इसको चाहिए गोदी। अब लो भैया, महाराज को गोदी ले लिया हमने, अब खुश हो गए। अब मिलिए मेरी माता श्री से। ये हैं भैया मेरी माता श्री। कल है नवमी और आज है अष्टमी की शाम। मम्मी को अभी से टेंशन हो रही है कि कल कैसे क्या क्या होगा भाई, मॉर्निंग में जल्दी उठना है एंड ऑल। अभी मेरे को छीलनी है मटर, क्योंकि घर पे आओ और काम ना करो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि कल नवमी है, मटर पनीर बनना है, मटर मैं ही छीलूंगी। अब हम चलते हैं भाई पापा की तरफ। ये हमारे पंडित जी जो कि कर रहे हैं अभी पूजा। जिद करके मुझे ऊपर छत पर लेकर आ गया। अब इसकी हरकतें देखो। अभी महाराज सुसु पॉटी करेंगे और हम टहलेंगे। देखो नीचे जाने का मन नहीं है। देखो देखो जरा, देखो देखो, यही फैल गया, यही फैल गया, नीचे नहीं जाना इसने। चलो कुल्लू नीचे भाई, कुल्लू नीचे चलो सुसु कर ली। अब तो सुसु कर ली। अब मैं फटाफट से कर देती हूँ इन सब कपड़ों पे प्रेस, क्योंकि मम्मी के पास ना ऑलरेडी लोड बहुत ज्यादा है, तो भाई मैं और भी बढ़ाऊँ। तो चलो अभी कर देती हूँ प्रेस। आकाश लेकर आया एक नया टैब कुछ दिनों पहले ही। वो मेरे को दिखा रहा था कि टैब दीदी बता दे कैसा लग रहा है। भाई सॉलिड था रेडमी का। भाई सुबह 4 बजे की उठी हूँ, अब आ रही है भयंकर वाली नींद। तो अभी बाय बाय, गुड नाइट। अब हम आपसे मिलेंगे मॉर्निंग में, ठीक है? गुड नाइट, गुड मॉर्निंग अगेन दोस्तों। राधे राधे। अभी मैं सोकर उठ चुकी हूँ, क्योंकि पापा पूजा कर रहे हैं मेरे और आज नवमी है, तो फटाफट से जल्दी से उठ के बहुत सारा काम करना है अभी। कन्या भोज में देख लेते हैं भाई क्या क्या बनाए। जहाँ बने हैं काले चने और है मिक्स वेज की सब्जी, और क्या है हलवा भी है, और क्या है, और क्या है, ये है भाई छोले आलू, छोले आलू। और अभी पूड़ियाँ बनेंगी, ठीक है? आटा लगा के रखा है मम्मी ने। और अभी ये बन गई है खीर। थोड़ा सा बैठ ही पाती हूँ तब तक महाराज गोदी में आ जाते हैं खेलने के लिए। भाई अब लो इनके साथ में खेल लेते हैं भाई। अब मैं सोच रही हूँ कि सूट कौन सा पहना जाए। येलो वाला पहन लेते हैं, क्योंकि मेरा फेवरेट वन है ये सूट भाई। पहनने के बाद में इसका लुक कुछ ऐसा आ रहा है, मेरा फेवरेट, इसीलिए इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ठीक है? जैसा कि आप देख सकते हैं। अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताना। अब हम चलते हैं मार्केट की तरफ, जो कि मुझे लेके जा रहा है मेरा भाई आकाश। अभी देखते हैं, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लेनी थी यार, पता नहीं यहाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। खैर देखते हैं, छोड़िए। तो यार लौटते वक्त मैंने देखा भाई मिल गई। खैर अभी हम चलते हैं घर की तरफ। ओके
घर पहुंचते ही मैंने, मम्मी ने, पापा ने, तीनों ने किया हवन माता रानी का और लगाया भोग। और उसके बाद में, क्योंकि अभी कन्याओं को भी भोज करवाना है, तो फटाफट से कर ली हम सब लोगों ने पूजा अच्छे से। और जो माता रानी हमारी सामने हैं और कान्हा जी आगे हैं। अब मैंने पहन ली अपने भाई की टी शर्ट और अपना लोअर फिर से, क्योंकि मेरे को सूट में बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, इसलिए मैंने लोअर टी शर्ट डाली थी। और ये है मेरे पिताश्री और वो है मेरा भाई प्रशांत। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, जहाँ देख लेते हैं कन्या भोज हो रहा है। पापा और प्रशांत जो है सब कन्या भोज करवा रहे थे और मैं सामान ऊपर से ला ला के दे रही थी। और ये यहाँ पर आई थी हमारे यहाँ सुंदर सुंदर छोटे छोटे प्यारी प्यारी सी कन्याएँ। और खाना खाने के बाद में हमारे यहाँ कन्याओं को दिए जाते हैं जो भी तुम पे जो भी जैसा बन जाए। जैसे कि मेरे पापा ने दिए थे 10-10 रुपए, एक एक केले और अपना हलवा और काले चने और सबके पैर छूना, टीका लगाना, तो ये होता है हमारे में। प्रिंस, प्रिंस से हेलो दादी देर फिर दादी का मुंडा साता मंदिर आया था क्या? अरे ऐसे मत करियो, अभी वो आ रहे हैं। दादी का सिर का मुंडा साता मंदिर आया था। हाँ तो कुछ नहीं है, बढ़िया लग रही थी। हाँ और भगवान पर। अरे ऐसे उठते नहीं है। अरे हो गया मेरा। हाँ मैं खासी ताली में एक तो बढ़िया फुटू आओ बहुत पंजी सा किसका जाने के बाद महाराज अभी बैठ गए कि इनके लिए भी एक थाली परोस के आएगी। भाई मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही थी। ये बनाए हमारे यहाँ भोज भाई बहुत ही टेस्टी, सीरियसली बहुत टेस्टी बनाया था मेरी मम्मी ने खाना। और ये है मेरे पापा जी जो कि खाना खा रहे हैं, हम सब लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं। ये है मेरी रजनी दीदी और ये है मेरी मम्मी और ये हूँ मैं। भाई सब सुबह 4 बजे की उठी हुई हूँ, कसम से कुछ नहीं खाया और भूख तो इतनी तेज़ लग रही थी मेरे को, क्योंकि एक तो इतना टेस्टी सा खाना, इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी, पर कंट्रोल करके अब जाके खाना मिला। पिल्लू महाराज को ठंडे में मौज आ रही है। और ये हमारी प्यारी आंटी, मेरी मम्मी की दोस्त हैं वैसे तो, लेकिन वो मुझसे मिलने आई थी क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद घर गई थी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एंड में, यही करते हैं। बाय। राधे राधे।